रेंजर्स तलब, 400 पुलिस एहलकार तैनात। फैसला आने दें, फिर देखते हैं क्या करना है। नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी सियासी रहनुमा के बयान ने खलबली मचा दी। मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस करें। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा आसिफ करमानी का कहना था कि कुलसुम नवाज की तबीयत बेहतर होते ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज वतन वापस आ जाएंगे। फैसला आने दें, फिर देखते हैं क्या करना है। आसिफ करमानी का मजीद कहना था कि अल्लाह ताला खैर करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला से अच्छे की तवक्का रखते हैं। बेगम साहिबा की तबीयत खराब है और वो वेंटिलेटर पर हैं। ख्याल रहे कि एहतसाब अदालत, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, इनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंसेस का फैसला आज सुनाएगी। फैसला सुनाए जाने के मौके पर इस्लामाबाद के जिला इंतजामिया ने रेंजर्स तलब कर रखे हैं, जबकि 400 पुलिस एहलकार भी तैनात हैं। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत जाने वाले तमाम रास्ते आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।